इस वीडियो में एक टीचर बच्चों को कंसेप्ट समझाने के लिए पानी से भरे ग्लास को गोल गोल घुमा रहा है, पानी फिर भी नहीं गिरता। दरअसल ग्लास को तेज तेज घुमाने की वजह से इधर प्रोड्यूस होता है एक तेज एस्केलेशन जो कि ग्रेविटी से बड़ा होता है। अब पानी भी इस तेज एस्केलेशन की वजह से बकेट की वॉल पर जोर लगाता है और पानी उसी में रुक जाता है। अगर ग्लास को धीरे धीरे घुमाया जाए तो एस्केलेशन ग्रेविटी से कम होगा और इस कंडीशन में वाटर पर लगने वाली ग्रेविटी एस्केलेशन से ज्यादा होगी और पानी नीचे गिर जाएगा। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं किस तरह इसने पहले बकेट में इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, बकेट और टमाटर के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लूज हो गए और वो दोनों अलग अलग हो गए। इधर ध्यान देने वाली बात ये है कि अब जैसे ही टीचर घूमते हुए ग्लास को रोकता है तो उसे अपने हाथ थोड़ी दूरी तक खींचना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं करता तो क्या होता? यही है आज का सवाल।